हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट का क्वेश्चन एसएससी जेई एग्जाम 2017 का पार्ट 15 डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 211 है, एन एग्रीगेट विच पासेस थ्रू 25 mm आईएस सीव एंड इज रिटेंड ऑन 20 mm सिंस इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। तो एग्रीगेट को हम फ्लैकी कहेंगे इफ दियर लीस्ट डायमेंशन जो है लेस देन 0.6 टाइम्स दियर एवरेज डायमेंशन मीन डायमेंशन हो। तो यहाँ पे एग्रीगेट जो है पास हो रहा है 25 mm सीम में और रिटेंड हो रहा है 20 mm में, तो इसका मीन डायमेंशन जो है हो जाएगा 25 प्लस 20 बाई 2 22.50। तो 0.6 इंटू 22.50 13.50 mm जो है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 212 है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है द बल्क डेंसिटी ऑफ अ फाइन एग्रीगेट इज यूजुअली अबाउट 10% मोर देन डेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कंपोजिशन। तो बल्क डेंसिटी जो फाइन एग्रीगेट का जो है सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होता है और कोर्स एग्रीगेट का जो है सरफेस एरिया लेस होगा क्योंकि इसका जो है साइज बड़ा होता है। तो इसका जो है बल्क डेंसिटी फाइन एग्रीगेट का ज़्यादा होता है और यूजुअली 10% मोर होगा सिमिलर कंपोजिशन में। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कॉन्टेंट। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी है द एब्जॉर्प्शन एंड पोरोसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट। तो पोरोसिटी जो है इन्फ्लुएंस करेगा कॉन्क्रीट के प्रॉपर्टी पे। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाइएस्ट इन डायरेक्शन ऑफ। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर जो है मैक्सिमम होता है पैरेलल टू ग्रेन और मिनिमम होता है परपेंडिकुलर टू ग्रेन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एन एंगल ऑफ 0° टू ग्रेन्स। ऑफ क्वेश्चन नंबर 214 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ ऑफ हाई ड्यूरेबल टिम्बर। हाई ड्यूरेबिलिटी जो है ड्यूरेबल टिम्बर का जो है एवरेज लाइफ होता है मोर देन 120 months एंड ओवर। तो यहाँ पे जो है 120 months मीन्स हो गया 10 years। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 10 year। मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी का जो है लाइफ होता है टिम्बर का लाइफ लेस देन 120 month 10 year से लेस होगा, बट मोर देन 60 month मीन्स 5 year। लो ड्यूरेबिलिटी टिम्बर का जो है एवरेज लाइफ होता है लेस देन 5 year। क्वेश्चन नंबर 215 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड। ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ इज मोर इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है, स्ट्रेंथ इज मोर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। स्ट्रेंथ जो है सेम होता है बोथ अलोंग एज वेल एज अक्रॉस ग्रेन। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ इज मोर इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्लाईवुड हैज अ गुड एंड यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ बोथ अलोंग एज वेल एज अक्रॉस द ग्रेन्स। नेक्स्ट है 216 क्वेश्चन, द इनग्रेडियंट ऑफ पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट्स कलर इज नॉन एज। कलर जो है पेंट में देता है पिगमेंट्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पिगमेंट्स इट इज यूज टू हाइड द सर्फेस इम्परफेक्शंस एंड टू इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ कैरियर इन पेंट। कैरियर के रूप में हम यूज करते हैं पेंट में लाइनसीड ऑयल, ऑप्शन बी कैरियर होता है लाइनसीड ऑयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218, डिस्टेम्पर्स आर जनरली यूज टू कोट। डिस्टेम्पर्स हम यूज करते हैं इंटीरियर सरफेस विच आर नोट एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, एक्सपोज नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट के, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 है, एक्सप्लोजिव रिक्वायरमेंट फॉर ब्लास्टिंग इज मेजर्ड इन। ब्लास्टिंग हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 220, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर बिटुमिन। ऑप्शन ए है स्लंप टेस्ट। स्लंप टेस्ट हम वर्केबिलिटी के लिए करते हैं कॉन्क्रीट में। ऑप्शन बी है एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट हम एग्रीगेट में करते हैं। इट इज टेस्ट टू मेजर हार्डनेस और एब्रेसिव रेसिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट। लॉस एंगल्स डेवेल टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड एब्रेशन टेस्ट। ऑप्शन सी है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट हम बिटुमिन में करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिस टेस्ट ऑन बिटुमिन मेजर ऑफ हार्डनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिनस मटेरियल। ऑप्शन डी है फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट हम सीमेंट में करते हैं। इट इज टेस्ट टू मेजर एवरेज ग्रेन साइज ऑफ अ सीमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स। ऑप्शन वन है ब्रेकिंग स्ट्रेन टेस्ट। ब्रेकिंग स्ट्रेन टेस्ट करते हैं टाइल्स के लिए। इम्पैक्ट टेस्ट भी करते हैं। ट्रांसवर्स स्ट्रेन टेस्ट भी करते हैं। वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है टाइल्स ये भी करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज एज अ बॉन्डिंग एडमिक्चर। बॉन्डिंग एडमिक्चर ऑप्शन ए है नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। हम तीनों यूज करते हैं बॉन्डिंग एडमिक्चर के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 223 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ व्हीकल इन द एनिमल पेंट। व्हीकल के रूप में जो है हम जो है व्हीकल होता है एनिमल पेंट में बार्निस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बार्निस इज एडेड एज अ व्हीकल इन द एनिमल पेंट। और लाइनसीड ऑयल में जो है लाइनसीड ऑयल में इट इज यूज्ड एज अ कैरियर इन ऑयल पेंट। नेक्स्ट है द डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नॉन एज। पेंट में जो डिफेक्ट है डिटैचमेंट इसे हम कहते हैं फ्लैकिंग। फ्लैकिंग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्लैकिंग इट इज डिटैचमेंट ऑफ सम पोर्शन ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू पुअर एडहेजन बिटवीन पेंट एंड द सरफेस टू बी पेंटेड। 225 है द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ द प्लाईवुड इज। प्लाई जो है प्लेस्ड होता है राइट एंगल, इसलिए जो है एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज लेस होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्लाई आर प्लेस्ड एट राइट एंगल विथ ईच अदर। एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड कंसिडरेबल रिड्यूज बिकॉज इन प्लाईवुड प्लाई आर प्लेस्ड एट राइट एंगल।